जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित की जानी है। इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सफाई कर्मी का जो एडमिट कार्ड है ये कब तक आएगा, एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। ए टू जेड जानकारी एडमिट कार्ड से लेकर परीक्षा तक की दूंगा। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस देखिए, जितने भी मेरे पास एडमिट कार्ड है, सफाई कर्मी का एडमिट कार्ड एक भी नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग कितने सारे एडमिट कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। काफ़ी सारे एडमिट कार्ड हैं, काफ़ी बच्चों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एडमिट कार्ड सेंड भी किए हैं, लेकिन उनमें से अभी तक एक भी एडमिट कार्ड आपका सफाई कर्मी का नहीं है। तो कब तक जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड सफाई कर्मी के? तो देखिए, जो पहला जो एडमिट कार्ड है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए है। इनका नाम है जितेंद्र सिंह, देख सकते हैं आप लोग, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। दूसरा जो एडमिट कार्ड आपका है ये देखिए, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। अगले एडमिट कार्ड की बात करते हैं, देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का ये एडमिट कार्ड है। अगला जो एडमिट कार्ड देखिए किसका है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का एडमिट कार्ड। लेकिन सफाई कर्मी का एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। देखिए इंस्पेक्टर डाइटिशियन, देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, लेकिन सफाई कर्मी का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं जारी किया गया है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, देख सकते हैं आप लोग पोस्ट जो भी है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, हेड कांस्टेबल सफाई कर्मी का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं जारी किया गया है। अगला देखिए, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का ये एडमिट कार्ड है। ये वाला एडमिट कार्ड देखिए, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। कांस्टेबल में देखिए लैब टेक्नीशियन का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड है। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी, क्या ये लिखा है, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिसिन। देखिए हेड कांस्टेबल का एक और एडमिट कार्ड जारी किया गया, एक लैब टेक्नीशियन का और ये एक ये वाला फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिसिन, दूसरा एडमिट कार्ड जारी किया गया है कांस्टेबल का, देख सकते हैं आप लोग, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, देख सकते हैं आप लोग। काफी सारे एडमिट कार्ड जारी किए गए लेकिन अभी तक सफाई कर्मी के एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए हैं। ये वाला जो एडमिट कार्ड है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का एडमिट कार्ड है ये। अगला जो एडमिट कार्ड देखिए है आपका, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट, देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, देखिए बच्चों की फिजिकल, जब बच्चे फिजिकल देने के लिए, बच्चा फिजिकल देने के लिए गया था, उसने कुछ तस्वीरें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साझा की हैं, देख सकते हैं आप लोग, कुछ तस्वीरें साझा की हैं उस बच्चे ने हमारे साथ, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग। यार जो एडमिट कार्ड देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का एडमिट कार्ड है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी तक सफाई कर्मी का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है। तो सफाई कर्मी के एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे? सो गाइस देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 25 दिसंबर से सफाई कर्मी हुआ आपका, वॉशरमैन हुआ आपका, कुक हुआ, टेबल बॉय हुआ, और भी काफ़ी पोस्ट हैं, इन सभी के एडमिट कार्ड 25 तारीख के बाद जारी किए जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल सटीक न्यूज़ दे रहा हूँ, जो भी न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल सटीक न्यूज़ दे रहा हूँ, 25 तारीख के बाद जारी किए जाएंगे। ठीक है, और देखिए 18 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, सफाई कर्मी वाले, वॉशरमैन हुआ, टेबल बॉय हुआ, इन सभी के जो फिजिकल हैं 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है हेड कांस्टेबल सफाई कर्मी, कुक हुआ, टेबल बॉय हुआ, बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके में हमको नाम भी नहीं याद हैं, उन सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके 25 तारीख के बाद,
25 दिसंबर के बाद जारी कर दिए जाएंगे। 100% मैं आपको 90% तो गारंटी दे सकता हूँ कि जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को शक हो रहा हो तो इसकी दवा तो मेरे पास भी नहीं है, ना भगवान के पास, शक की दवा किसी के पास नहीं है। तो मैं आपको अनुमानित डेट ही बता रहा हूँ कि आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे। 25 दिसंबर के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। देखिए भैया, अब बात आ जाती है कि जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो गया है, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यदि आपके आसपास कहीं कोचिंग संस्थान है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मार्च 2021 में इसका एग्ज़ाम हर हाल में ही हो जाएगा। देखिए, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मार्च 2021 में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोचिंग संस्थान यदि आपके आसपास हो तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट कमज़ोर हो उस पर विशेष फोकस करें, ठीक है। और यदि आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम तैयारी तो नहीं करवाते, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी तैयारी काफ़ी करवाई है। लगभग लगभग मैथ रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी के वीडियो लगभग लगभग अपलोड हैं। प्लेलिस्ट चेक करिए हमारे चैनल में जाके, और प्लेलिस्ट में जाके पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, कहने का मतलब है प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यदि आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं। पहली बात, जो मैंने लाइव टेस्ट लॉन्च किया है वो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है, रामबाण साबित होगा। तो मेरे लाइव टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फीस रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सारी बातें आप सर से जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, लेकिन उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। देखिए, लगभग लगभग मैंने सभी वीडियो में मना किया कि इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है, ना मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको जानकारी अगर यदि लेनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट से रिलेटेड ही जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जल्दी से, और सेव कर लीजिए, 6392409447, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, ठीक है, कॉल नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉल नहीं करनी है, और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर नहीं दी जाएगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट होता है, ठीक है। लाइव टेस्ट की जानकारी आप सर से ले सकते हैं, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या फीस रहेगी, बाकी अदरवाइज जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं सर से। तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए और मैसेज कर सकते हैं जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो गया है। तो देखिए, फिजिकल तो आपका क्लियर हो गया, ये बात आपको पता ही होगी, फिजिकल आपका क्लियर हो गया है। अब बात आती है कि रिटर्न एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बात तो ये आती है ना। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। बाकी यदि आप चाहे तो कोचिंग संस्थान का भी सहारा ले सकते हैं, कोचिंग संस्थान से भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। लाइव टेस्ट जो है आपका, ये रामबाण आप लोगों के लिए साबित होगा, तो लाइव टेस्ट आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए आंख बंद करके, ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो तुरंत आप सर से कॉन्टेक्ट करिए और जानकारी ले सकते हैं। तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए, लेकिन कॉल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड से को लेकर सफाई कर्मी के। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।